हरे कृष्णा जय जगन्नाथ। तो आज हम जानेंगे जगन्नाथपुरी धाम की क्या विशेषताएं हैं। भक्तों का हृदय धाम कहलाता है। जहाँ भगवान निवास करते हैं वह धाम है, और वह स्थान जहाँ पर भगवान की रूप गुण लीला आदि की चर्चाएं होती है उसे भी धाम ही कहा जाता है। चतुर्युग के चार धाम जहाँ भगवान जगन्नाथ जाते हैं अपने अलग अलग कार्यों के लिए, सतयुग के धाम बद्रीनाथ में भगवान जाते हैं तप व ध्यान करने, तत्पश्चात सुबह सुबह स्नान करने के लिए त्रेतायुग के धाम अर्थात रामेश्वरम जाते हैं, तत्पश्चात द्वारिकापुरी धाम जा करके वह उसी तरह से भोग ऐश्वर्य का वहां पान करते हैं, और अंतिम में जब उन्हें बहुत भूख लगती है तब वे आते हैं जगन्नाथपुरी धाम और खूब सारा भोजन पाते हैं। और इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति जगन्नाथपुरी धाम आता है तो उसे चारों धामों के यात्रा का फल प्राप्त हो जाता है। गयासुर का वध करने के बाद भगवान जब उत्कल क्षेत्र में आए तो उनके चार आयुध अलग अलग क्षेत्रों में गिरे, जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जहाँ शंख गिरा वह क्षेत्र है पुरी, जहाँ चक्र गिरा वह बना भुवनेश्वर, जहाँ पर गदा गिरा वह है जाजपुर, और जिस जगह पर पद्म गिरा वह बना कोणार्क। ब्रह्म वैवर्त पुराण, पद्म पुराण और स्कंद पुराण में उत्कल क्षेत्र को विभिन्न नामों से जाना जाता है। इसे जगन्नाथपुरी धाम, नीलांचल क्षेत्र धाम, नीलगिरी धाम, पुरुषोत्तम धाम, श्री धाम, और इसे जाना जाता है दशावतारम क्षेत्र के नाम से भी। भारत की सात पवित्र नगरी अयोध्या, द्वारिका, काशी, हरिद्वार में से एक है जगन्नाथपुरी। संघ क्षेत्र के नाम से विख्यात हमारा जगन्नाथपुरी धाम 4 लाख वर्ग फुट की क्षेत्रफल में फैला हुआ है। हमारे मूल मंदिर की ऊंचाई 214 फीट की है। हमारे इस मूल मंदिर में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन और अपने पार्षद सुदर्शन जी के साथ विद्यमान रहे। समुद्र के किनारे स्थित इस मंदिर के मूल 4 द्वार हैं, अश्व द्वार, गज द्वार। पुरुषोत्तम भगवान सबर जाति के मूल देव के रूप में आए, जिनका नाम है भगवान नीलमाधव। मंदिर की यह विशेषता जानकर आप सबको बहुत आश्चर्य होगा कि मंदिर के ऊपर से कोई भी चार्टर्ड प्लेन, हवाई जहाज या फिर पक्षी भी नहीं उड़ सकते। मूल मंदिर के शिखर की परछाई कभी धरती पर नहीं पड़ती है। मंदिर के शिखर पर अष्टधातु का बना एक चक्र अवस्थित है जो हर दिशा से आपकी तरफ ही दिखाई देगा, जिसे नील चक्र के नाम से जाना जाता है। इस चक्र के ऊपर एक धर्म दंड लगा हुआ है और इस धर्म दंड पर हर दिन ध्वजा फहराई जाती है। आपको यह जानकर अत्यंत आश्चर्य होगा कि यदि मंदिर की ध्वजा एक दिन नहीं बदली गई तो यह मंदिर 18,000 वर्षों के लिए बंद कर दिया जाएगा। झंडे का रंग पीला, लाल और सफेद है, जिसका वजन लगभग 50 किलो है। इस ध्वजा को फहराने वाले मूल सेवकों को उनकी 8 वर्ष के उम्र से ही प्रशिक्षित किया जाता है। ये मंदिर के गुंबद में उल्टे चढ़ करके वहाँ ध्वजा फहराते हैं। हर दिन संध्याकालीन यह ध्वजा बदल दिया जाता है। इस ध्वजा की विशेषता यह है कि यह हवा की विपरीत दिशा में ही
लहराता है। साथ ही साथ इस ध्वजा पर विशेष चिन्ह है जो कि भगवान शिव के ऊपर स्थित चंद्र की। दक्षिणवर्ती शंख की तरफ फैला यह पूरी क्षेत्र 5 कोस अर्थात 16 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक मुगलों ने इस पूरी धाम पर 17 बार हमला किया, फिर भी इस मंदिर का एक ईंट भी न हिला सके। हमारे इस जगन्नाथपुरी मंदिर में केवल सनातनियों को ही प्रवेश दिया जाता है और किसी को यहाँ पर प्रवेश नहीं है। इसका उल्लेख मंदिर के बाहर एक शिला पर अलग अलग भाषाओं में दर्ज है। तो कैसा लगा आप सबको भगवान जगन्नाथपुरी धाम की महिमा को जानकर? निश्चित रूप से आप सबने भगवान के मानसिक दर्शन अवश्य किए होंगे। तो आइए अगली कड़ी में हम फिर से मिलेंगे विग्रह महिमा के साथ। हरे कृष्णा।